जब आप पॉलिसी ऑफिस इंश्योरेंस के लिए जब जाएं तो इस चीज का ध्यान रखें कि जो प्रपोजल फॉर्म है बेसिकली जब आप डिटेल जो दे रहे हैं और वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। लेट्स से जो भी इक्विपमेंट है, जो भी सिस्टम है, आपके फायर सिस्टम लगा हुआ है कि नहीं, सीसीटीवी है या नहीं, गार्ड है या नहीं, और ऑफिस जो बेसमेंट में है या नहीं, इसका जिक्र सही सही होना बहुत जरूरी है। और जब आप पॉलिसी बाय कर रहे हैं तो ये चीज भी सुनिश्चित करें कि ये जो डिटेल आपने दी थी बिल्कुल ठीक। दूसरा, जिस एजेंट और ब्रोकर से बाय करें वो आपको कैसे गाइड कर रहा है, वो आपको क्या बता रहा है। मैं एग्जांपल के तौर पे लूंगा, थोड़ा एक मिनट और लूंगा कि हमारे पास क्या हुआ कि एक बार एक शोरूम का एक इंश्योरेंस आया था और वो 20 साल से किसी एक सरकारी कंपनी से इंश्योरेंस करा रहे थे। उनको कोई गलती नहीं है। उसमें क्या था कि उनके जो सबमिशन उठते वो पुराना ही था। अब उनके जो 20 साल से उनके जो फिक्स्चर फर्नीचर थे वो 2 लाख के लगे हुए थे और जो ग्लासेस थे वो भी 50,000 के चल रहे थे। अच्छा, हमने विजिट किया तो हमने देखा कि उन्होंने फॉल सीलिंग ग्लासेस, इतने मोटे मोटे थिकनेस वाले ग्लास की इतने एमएम की, कम से कम एक एक ग्लास जो थे 2x2 मीटर वो एक एक ग्लास हो गए थे। तो हमने उनका जो किया पूरा रिवाइज करा सभी शो, क्योंकि क्लेम सेटलमेंट होगा वो क्योंकि रीसेटमेंट वैल्यू पे होगा। तो हमने जितना भी उसका जो भी फिक्स्चर फर्नीचर या जो भी लगा हुआ था ऑफिस उसका जो ऑफिस था कॉर्पोरेट ऑफिस जहाँ पे वो बैठे हुए थे, तो वो पूरा का पूरा उसको हमने आज के हिसाब से उनसे वैल्यू निकलवाएंगे। पॉजिटिव कितनी रहेगी हमारे बीस का पूरे जो लगे हुए आज उनकी ये वैल्यू रहने वाली है, तो वो करके फिर हमने उसमें प्रीमियम बनाया, फिर हमने पॉलिसी बाय करी। क्योंकि यहाँ पे कई लोगों की पुरानी चली आ रही है, पुराना मान के चल रहे हो तो क्लेम में दिक्कत आएगी। तो ये दो एस्पेक्ट है कि पहला आप प्रपोजल फॉर्म पे जो भी आप डिटेल भर रहे हो ये डिटेल आप जो है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। दूसरा ये है कि जो आपका एजेंट या ब्रोकर जो भी है उसको करेक्ट नॉलेज होनी चाहिए और उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वो क्लेम जो सेटल करा चुका है कि नहीं। अगर मेरा ये मानना है अगर वो क्लेम पहले सेटल करा चुका है तभी वो आपको अच्छे तरीके से कस्टमाइज तरीके से बता पाएगा, सजेस्ट कर पाएगा कि आपके लिए कौन सी पॉलिसी सही है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें और हमारा ये जो मिशन है इंश्योरेंस अवेयरनेस, इसका साथ देने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और जो भी कोई क्वेश्चन या कमेंट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।